हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो जी देखिए, सुबह का सारा काम मैंने निपटा लिया है, सुबह के मतलब इनके खाने पीने के, और झाड़ू वाड़ू भी लगा दी है। और ये देखिए अभी तक रेडी होने लग रहे हैं। इनको नाश्ता दिया था लेकिन नाश्ता नहीं किया, ये कह रहे हैं कि उल्टी आ रही है, और आई कार्ड डाल लिया अपने गले में। तो जी चलिए, ये तो हो गया रेडी। और हम जाते हैं ऑफिस, और वो भी रहेगी घर पे। ये और यहाँ पे मत बैठो बेटा, यहाँ पे चोट लग जाएगी। देखो साइकिल के बीच पीछे जाके बैठ गया मुझसे। और मैं कह रही हूँ इधर आ जाओ, हाय बोल दो सबको। और तुम मुझे यहाँ को कैसे ले जाओगी, ये कह रहा है ये। मैं आपको ले जाऊंगी, मैं आपको पीछे से उठा के ले जाऊंगी यहाँ से। ऐसे मत बैठो, कपड़े गंदे हो जाएंगे आपके। हाँ आपके ऊपर गिर जाएगी बेटा ये साइकिल, चोट लग जाएगी बाबू। इसका लॉक यहाँ पे है, मैं खोल दूँ? तो जी देखिए, मम्मी मम्मी लगा रही है डब्बे। और ये है ना, देखिए कितने सारे डब्बे आए हैं दुल्हन के घर से। बाजी आई है ना, तो वो हमारे यहाँ पे गांव में बांट दी जाती है। और ये देखिए पूरा का पूरा कटोरदान भर के आ रहा है। इसमें मिठाई है, रसगुल्ले हैं, और पेड़े हैं, और क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। कम से कम 4-5 मिठाई है। और ये है लड्डू, ये 3 डब्बे। ये देखिए कितनी सारी भाजी सुबह सुबह आ गई, और इनको लेकर के आई थी स्वाति दीदी। और तो जी देखिए, अभी मैंने साइकिल नीचे डाल दिया, अभी ये कैसे ही करता रहे, कुछ नहीं होगा। हाँ ये तो दो जगह से टूट गया, कन्नू का पहिया, तो कन्नू की स्कूटी का पहिया टूट गया है यहाँ से, तो इसी वजह से कन्नू का बहुत दुख हो रहा। और चलो अभी बांध लो, जब आप ये आपको बताया यहाँ को पहले पहले यहाँ को अभी यहाँ को, और जब आपको बताया कि पहले यहाँ को और फिर यहाँ को बांधना है, तो आप ही बांध लो भाई, मेरे को तो बांधना भी नहीं आता। हाँ आपने तो मुझे समझा दिया, लेकिन मेरी समझ में तो नहीं आया कुछ भी। करूँ बताओ, आप ही बताओ, पहले यहाँ को और फिर यहाँ को, अब भी समझ में नहीं आई। मैं सब कोई बांध लूंगी, मेरी समझ में नहीं आया पर फिर भी मैं बांध दूंगी। लाओ देखिए जी, जिस तरह कह रहा है उसी तरीके से बांध रही हूँ, और देखती हूँ समझ में आता है इसके या नहीं समझ में आता। ये देखिए कन्नू के पिताजी कन्नू को लेकर बाहर घुमाने के लिए जा रहे हैं। कन्नू बहुत देर से आवाज़ लगा रहा था इनको, पिताजी पिताजी, और ये बाहर लेकर के ही जाएगा इनको सुबह सुबह। कन्नू को नहला देता सुबह सवेरे सवेरे, और इसके कपड़े भी चेंज कर देते, तो पिताजी अभी इसको बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाएंगे, और कुछ खिला करके भी लाएंगे, मुझे पता है पक्का। ये बिना खाली हाथ तो वापस नहीं आएगा। और आज परी आ गई है हमारे घर पे, और परी बोल रही थी कि मेरी जो ताई जी हैं उनको देखने के लिए नहीं जा रहे क्या। फिर मैंने कहा बेटा जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे, अभी नहीं जाते हैं। तो देखिए ये है चीनू, ये है दूल्हे के भांजे, और इनको मोदी जी भी कहते हैं घर में सब। और ये तो परी है, और जो इसके छोटे भाई का नाम है उनका नाम ही योगी जी है। चेहरा बहुत ही अधूरा अधूरा सा लग रहा है, नाक की नोज पिन के बिना। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ, ये वाली कुर्ती पहनी है जो मेरी बबली दीदी लेकर के आई थी कन्नू के बर्थडे में, और हम जा रहे हैं बबरानी को देखने के लिए। और मम्मी बोल रही थी कि देख आओ, अब तो उनके सारे मेहमान भी चले गए हैं, क्योंकि आवाज़ आवाज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो अभी इसलिए नहीं जा रहे थे वहाँ पे। अब तो सब के सब चले गए, बस कुछ हाँ, कोई आ रहा है लेने के लिए, कोई जा रहा था, तो इस वजह से नहीं गए। मम्मी ना खाना ख़राब सी लग रही है ना मेरी, अच्छी सी नहीं लग रही, बिल्कुल बेकार से लग रहा है चेहरा, नाक के नोज पिन के बिना। और आपसे लोगों का जो है ना लोक नहीं बंद होने का, और मैं जा रही बाहर। अच्छा तो चलिए मैं ले करके जाती हूँ, वे दीदी पहना देगी, स्वाति दीदी पहना देगी। देखिए जी कन्नू भी तैयार है मेरे साथ में जाने के लिए, और कन्नू की ताई जी भी जाएंगी, और अंशी भी जाएगी साथ में। तो कन्नू पहनने लग रही है साड़ी, और वो रेडी होकर के आती है, जब तक हम थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं कन्नू के साथ में। ये देखिए हल्क बन जाता है कभी कभी। चलो भाई चलो चलो चलो, आ गई ताई जी, चलो मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ के चलो। अब जाके आगे जाके मारोगे जंप, मुझे जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा।
हम आ गए थे यहाँ पे आंटी जी के यहाँ पे, और आते ही हमें मिल गई वैष्णवी। वैष्णवी और ये तो कैप लगा रखी है चोटिया वाली, ये देखो ये कैसे देख रही, गुस्से से मैं देख रही है। तो ये इधर मेथी है, पालक है, और ये इधर हमारी वाली मेथी है, हरा धनिया है, बहुत सारी चीज है यहाँ। तो देखिए हम यहाँ पे आ गए थे तो हमारे बाद यहाँ पे हवन होने लगा था, तो आंटी जी ये बोल रहे थे कि हवन में शामिल होना ही पड़ेगा, और हवन में शामिल जो होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और दीदी भी मेरे साथ यहाँ पे बैठ गई थी, और हमने देखे मन यहाँ पे इन्होंने जो गणेश जी है यहाँ पे रख रखे हैं, और कलश रख रखा है, पूजा की तैयारी सारी कर रखी थी इन्होंने। तो जी पूजा की सारी तैयारी कर रखी थी, अब पंडित जी हवन कर रहे हैं इनके यहाँ पे, और जो दूल्हा दुल्हन है जो नवविवाहित जोड़े को बैठाया जाता है पूजा में इसमें, और बाकी सभी आसपास बैठ जाते हैं, और हम भी सभी आसपास ही बैठे थे, और यहाँ पे आरती चल रही थी तो हम आरती ले रहे थे। उधर कन्नू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो इसलिए मुझे उसको भी देखना था बार बार, पीछे को मैं मुड़ मुड़ के उसको देख रही थी। तो कभी कभी हवन के पास चला जाता था, कभी इधर चला जाता, कभी उधर, और कभी डर इतना लगता था कि कभी छत पे ना चला जाए। तो जी देखिए अभी पूजा संपन्न हो गई है करीब करीब। तो जी देखिए हम घर पर आ गए हैं, और बहुत देर हो गई हमें वहाँ बात करते करते, तो टाइम का पता नहीं लगा बिल्कुल भी, 3:30 बज गए। कन्नू तो बिल्कुल वहाँ पर लोटपोट हो रहा और कह रहा कि मुझे तो चीज़ लेके जानी दुकान थी रास्ते में, अभी मम्मी से बात करते हैं। यहाँ पे आ गई हम घर पे, तो जी चलिए। और हमारा परिवार तो आप सभी देखते ही हो कितना अच्छा है, और मेरी सास भी बहुत अच्छी है, और ससुर भी बहुत ही अच्छे हैं। ससुर तो मेरे ऐसे हैं कि नहीं तो किसी से बोलते हैं, और आराम से बैठते हैं, आते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, और फिर अपनी बैठक में चले जाते हैं, और कन्नू का भी बहुत ध्यान रखते हैं। मुझे जैसे ससुर मिला है ना, भगवान करे सभी को ऐसे ससुर मिले, और मतलब मैं बिल्कुल पापा की तरह ही उनकी केयर करती हूँ, जैसे मैं अपने घर पे अपने पापा की केयर करती थी इसी तरीके से, बिल्कुल उनको इसी तरीके से मतलब इम्पोर्टेंस देती हूँ अपनी लाइफ में। और टप्पर नहीं उतारना चाहिए, स्कूटी घुमा के दिखाएगा अपनी, इसके पापा भी ऐसे घुमाते हैं। ये देखो स्टार्ट करनी, और ये इस तरह, ओए ये स्टंट दिखाते हुए ही गिर गया। चोट तो नहीं लगी? लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, गिर गया और कुछ नहीं हुआ। ला मैं तेरा लाड कर लूँ एक बार फिर तुम्हें। ये देखिए बस घूम गई एक बार घुमाते हैं वे, आज हजार बार घुमा रहा है तो। एक बार मैं ना, ये लड़का तो ज्यादा रोता है, तो मैं इसके लिए कुछ लेके नहीं आया, और ये मम्मी मेरी रोती है ना, मम्मी के लिए अमरूद लेके आया हूँ। मैंने कहा था मुझे सर्दी के अमरूद खाने हैं, तो मम्मी के लिए अमरूद लेके आया, इतने मोटे मोटे दिखाओ, अमरूद खा गए क्या मोटा मोटा अमरूद। और कौन खाएगा इसको? इसको खाएगा मैं। कौन खाएगा? कन्नू नहीं खाएगा इसे, तो बाहर दुकान की कुछ चीज चाहिए। हाँ वही लेके आता हूँ उसके लिए, दुकान पे लेके जाता हूँ उसको, है ना। मुझे गुम्मन भी जाना है, चलो घुमा के लाता हूँ उसको अभी आगे। आज मेरी तबीयत खराब है बेटे, मुझे बुखार हो रहा है मुझे। तो जी अभी हम आ गए कमरे में बैठ गए हैं, और कन्नू के पापा आ गए थे आज जल्दी, मैंने इनको चाय और नाश्ता दे दिया है, बिस्किट दिए है, इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है आज। और बताऊं मैं आपको क्या बता दूं, वैसे तो ये लेटने वाले नहीं थे कंबल में, लेकिन आज ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण ही ये अपने कंबल में लेटे हैं। तो दवाई थोड़ी देर बाद लोगे या अभी लोगे? उठने की हिम्मत नहीं हो रही इनकी। आ करेंगे दे दे, आप आ कर लो, ये खुद दे देगा। सिर दबा दे अपने पापा का, सिर दबाइए बेटा, देखिए एकदम ठीक हो जा। ये एक्टिंग ज्यादा कर रहा। हाँ ताकत इन्हें छीन दी, इसके अंदर तो ताकत नहीं, ताकत दे दी।
बहुत सारे दे दे। आज मुझे बनानी है बेदड़ी, बेदड़ी बनानी है क्योंकि कन्नू के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वे कह रहे थे कि मेरे लिए बेदड़ी बना देना, और मम्मी भी कह रहे हैं कि बेदड़ी खाऊंगी मैं भी, और पिताजी भी कह रहे हैं कि बेदड़ी खा लूंगा मैं भी, तो सबने एक ही वो कर दिया। तो जी देखिए, एक चम्मच घी और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी, ये घी गरम हो गया है, देखिए जीरा डाल दिया है। और पिताजी लाए थे ये मूंग की दाल, धो के लाती हूँ इसको, लाल कलर है, इसमें पानी छोड़ दूंगी। आज तो सबके सब बेदड़ी ही खाएंगे, बाद में डालू। ये देखिए नमक, तो जी देखिए ये है बासमती के चावल, साफ कर लेती हूँ पहले तो मैं, और फिर डाल दूंगी इसमें, धो के लाती हूँ। तो जी देखिए, आज कन्नू के पापा ले आए हैं कन्नू के माँ के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट, और इसने बताया नहीं क्या है, तो ये कह रहे थे कि खोल के देखना एक बार। और इसमें क्या लेके आए मम्मी आपके लिए? फोन लेके आए, ये तो कल झूठो झूठो कह रही थी, आज सचमुच फोन लेके आ गए। फोन ला रहे, देख ले, समझे ना, देख ले कन्नू, सच्चे फोन ला दिया, देख ले। अरे ये फोन है ना, कन्नू के काम आने वाली चीज नहीं है, नहीं तो इसमें गेम चलता और कुछ भी नहीं चलता, बस इनकी, इनके पास जो फोन आते हैं वो सुन सकती है ये और फोन कर सकती है बस, तो बहुत अच्छा है फोन। तो जैसे आपने दवाई ली थी, अभी आपको आराम मिला है थोड़ा बहुत? कन्नू ने वैसे भी आपको अपने हाथों से दवाई दी थी। मुझे आराम लगा, कन्नू ने दवाई मुझे बहुत अच्छी दी थी भाई, मुझे आराम लग गया कन्नू, थैंक यू कन्नू, थैंक यू, वेलकम वेलकम, मेरे पास तो आके बोलो वेलकम, थैंक यू वेलकम, थैंक यू वेलकम, थैंक यू बोल रहा है, वेलकम ही बोल रहा है। ये देखिए मुझे बोर नहीं होने दे रहा, थोड़ा सा खाना खाता है और उसको ऐसे ही पचा लेता है ये। देखो मुझे में ताकत कम है, लड़ भी नहीं सकता। अच्छा, और ये मेरे साथ कर रहा है, अच्छा, कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। बस, और 10 बजे भी इसका दिन निकला हुआ है, देखिए। और ये पता नहीं किस टाइम सोएगा, हम इसको सुलाते सुलाते खुद सो जाते हैं दोनों, फिर ये पता नहीं किस टाइम सोता है। तो जी कर देते हैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।